हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 5 बजे हैं और आई थिंक 5-6 डिग्री टेम्परेचर होगा। अब चलते हैं, मेरी क्लासेस है। लोगों को लगता है कि सुबह मेरी पहली क्लास 5:30 बजे शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं, सुबह 5:30 बजे कौन एक्सरसाइज करता है? तो मैं है कुछ लोग जिनको जिनके लिए एक्सक्यूजेस मैटर नहीं करते, उन्हें सुबह करना है तो करना है अपना वर्कआउट। एक प्रोफेशनल एथलीट को ट्रेन करता हूँ मैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट गोल्फर रहे हैं वो अभी, तो वो सुबह 5:30 बजे एक्सरसाइज करते हैं। तो अब चलते हैं। काफ़ी फोग है आज, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान से ड्राइव करें, स्लो ड्राइव करें। 2-4-5 मिनट अगर आप लेट भी हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन की बात है। रोज तो ये फोग होगी नहीं, अब धीरे धीरे ये फोग आना बंद हो जाएगी। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से ड्राइव कर लिया करो। तो फाइनली जिम आ गया हूँ अपने वर्कआउट के लिए। सुबह 4:30 उठा था, 5:30 बजे से बैक टू बैक क्लासेस दी, अब 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, वर्कआउट का टाइम हुआ मेरे, तो थोड़ा थक गया था। तो प्री वर्कआउट ले चुका हूँ। मुझे टोटल बॉडी वर्कआउट में कोई खास मज़ा नहीं आया, तो आज मैं पुश पैटर्न वर्कआउट करूँगा जिसके अंदर मैं चेस्ट, शोल्डर और अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करूँगा। कोशिश करते हैं कुछ नया सीखें, नया ट्राई करें। चलिए मैं 120 kg तक गया। 2-2.5 हफ्ते के बाद मैं थोड़ा सा हैवी ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया हैवी लिफ्ट की। एक्चुअली पिछले 2 हफ्तों में मैंने टोटल बॉडी वर्कआउट किया और मेंटल फोकस भी अच्छा नहीं था, थोड़ा सा मूड वूड अच्छा नहीं था, बट कोशिश कर रहा था कि वर्कआउट ना छूटे, स्किप ना हो, अप डाउन चलते रहते हैं। तो अब दोबारा से मैंने पुश पुल शुरू किया है और आज 120 kg तक गया मैं। देखिए जब, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब पावर बढ़ाने की जो पावर ट्रेनिंग होती है, 2-2-3-3 रैप वाली ट्रेनिंग, उस पर मेरा फोकस ज़्यादा होता नहीं है कि मैं एक रैप हैवी लगा के अपनी पावर को चेक करता रहूँ। मेरा कोशिश होता है कि एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ हाई रेपिटेशन वर्कआउट करूँ जिससे मसल स्ट्रेंथ दोनों अच्छे से बिल्ड हो। तो 120 kg तक लिफ्ट हुआ मुझसे, अब आगे कोशिश करता हूँ, रैप कम आए इसमें। अब जो अगले एक्सरसाइज है उनमें भी एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ 10-12 रैप की कोशिश करूँगा मैं, तो करते हैं। वर्कआउट की क्वालिटी, नॉर्मली लोगों को लगता है सिर्फ वजन उठाना है, रेस्ट टाइम कम कर दो तो ही अच्छा वर्कआउट होगा। देखिए स्पेशली रेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जितना ज़रूरी आपका प्रोग्रेशन ओवरलोड, मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है ना एक्सरसाइज में, उतना जल्दी रेस्ट पीरियड को तरीके से लेना ज़रूरी है। और इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि जैसे नॉर्मली लोग देखते हैं 30 सेकेंड का रेस्ट, 40 सेकेंड का रेस्ट, 1 मिनट का रेस्ट, ये आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हो, या मैं बिगिनर नहीं कहूँगा, अगर आप लो इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हो तो रेस्ट पीरियड को आप थोड़ा बहुत जल्दबाजी कर सकते हो कि 30 सेकंड रुके और कर लिया, जैसे कि एंड्योरेंस वर्कआउट में किया भी जाता है, कि बॉडी बिल्डिंग में भी किया जाता है। जब आपका कंडीशनिंग का टाइम आता है तो आप रेस्ट पीरियड को कम कर देते हैं, वहाँ पर इंटेंसिटी भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, हाई रेपिटेशन वर्कआउट चलता है। लेकिन अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको अपने रेस्ट पीरियड का भी ध्यान रखना है। उसके लिए क्या करो,
अपनी हार्ट बीट के हिसाब से अपना रेस्ट लो। अगर आपने हैवी लिफ्ट किया तो आप ज़्यादा रेस्ट ले सकते हो, अगला सेट हैवी करने वाले तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए ताकि अपने आप अपने सेट पर अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए क्वालिटी ऑफ वर्कआउट होना जरूरी है। सिर्फ बहुत सारी एक्सरसाइज करना या बहुत हैवी वेट उठाने से नहीं होता, क्वालिटी ऑफ वर्कआउट मैटर करता है और उसके लिए आपको अपने रेस्ट पीरियड को तरीके से लेना ज़रूरी है। कोई ऐसा रूल नहीं कि एक मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना। अगर आपका अगला सेट बहुत हैवी है, आपने बहुत हैवी लिफ्ट किया और आपका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो रहा है, पहले उस हार्ट बीट को नॉर्मल होने दो, एक मिनट की बजाय चाहे डेढ़ मिनट लग जाए, बट हार्ट बीट को नॉर्मल करो उसके बाद अगला सेट शुरू करो। तो अपने रेस्ट पीरियड को थोड़ा सा तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। वर्कआउट तो आज का वर्कआउट हो गया, काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा सही लगा मेरे को एक्सरसाइज करके, पंप वगैरह अच्छा आया, मैंने अपने आप को पुश भी अच्छे से किया। तो आज मैंने किया पुश पैटर्न चेस्ट शोल्डर और अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन किया, कल पुल पैटर्न वर्कआउट करेंगे। मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दो। तो लाइफ में ना अप डाउन चलते रहते हैं, जैसे पिछले एक दो हफ्ते से थोड़ा डीमोटिवेटेड सा था, आज बेटर फील कर रहा हूँ, आई होप कि आगे भी करूं। तो लाइफ में ना जस्ट गो विद द फ्लो, चलता रहेगा ये सब, नेगेटिविटी आती रहेगी, पॉजिटिविटी भी आएगी फिर, क्यों भी कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक आपका इवन पॉजिटिव होना भी लंबे टाइम तक नहीं रुकेगा, लाइफ में सक्सेस खुशियां भी लंबे टाइम तक नहीं रुकेगी, उसके बाद भी थोड़ा सा चेंज आता है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, स्टे पॉजिटिव, करते रहो जो कर रहे हो, मेहनत करते रहो, किसी भी तरीके का काम कर रहे हो करते रहो, अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा, अपने पैशन को फॉलो करते रहो और मुझे भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब।